नमस्ते दोस्तों, उषा विलेज फूड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों हम आए खेत में, यहाँ से सब्जी उब्जी लेंगे, तो आप लोग हमारी वीडियो को लास्ट तक रखते रहिएगा। तो देखिए यहाँ पे पहले आप लोग दिखा देते हैं। देखिए सुबह से जो है टमाटर टूट रहा था, ढेर सारा टूटा हुआ है, यही हम टमाटर भी तोड़ेंगे। तो ढक देते हैं, धूप लग जाएगा इसमें। तो टमाटर के खेत में हम आ गए हैं। तो देखिए ढेर सारा जो है टमाटर पका हुआ है। पत्ती दोस्तों थोड़ा सा ख़राब हो गया है, पर टमाटर बहुत ही अच्छे हैं और ख़राब भी हैं। तो चलिए अब लोग बैठ के दिखाते हैं कि ढेर सारा जो है टमाटर देखिए, और अच्छे भी है और ख़राब है। देखिए ऊपर से जो है अच्छा दिख रहा था, पर नीचे से सड़ा हुआ है। तो चलिए इसे हम तोड़ लेते हैं। देखिए बहुत ही बढ़िया है। चलिए दोस्तों हम तोड़ लेते हैं, वो तोड़ने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। अभी आप लोग दिखाएंगे किसान लोग कितना मेहनत करते हैं, कितना ढेर सारा जो है खेती खराब हो गया है। हेलो बिगड़ी जा तो पत्ती दोस्तों खराब हो गया है, तो ढेर सारे जो है दिख रहे हैं। अगर आप लोग को अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा। तो टमाटर दोस्तों बहुत ही आराम से जो है हम तोड़ रहे हैं। तो तोड़ तोड़ के यहाँ पर हम रख रहे हैं। तो देखिए दोस्तों ढेर सारा जो है टमाटर खराब हो गया है। जो खराब हो जाता है उसे निकाल देते हैं, नहीं तो दूसरा जो है खराब हो जाता है उसके साथ। तो किसान लोग दोस्तों बहुत ज़्यादा पैसा लगाते हैं, सारा दिन मेहनत करते हैं, और ख़राब हो जाता है तो बहुत ज़्यादा टेंशन रहता है। तो एक जाइस दोस्तों टूटता है, अभी ये वाला लाइन जो नहीं टूटा हुआ है। यहाँ देखिए इतने ढेर सारे जो है टमाटर यहाँ पे, जो ख़राब है उसे हम गिरा देते हैं तोड़कर, अच्छे वाले जो है ले लेते हैं। तो आप लोग घूम घूम कर देख लीजिए, बहुत ही अच्छा जो है टमाटर ढेर सारा जो है फरा हुआ है, और तो खराब हो गया है और सही है। देलाई हम लेकर नहीं आए, तो आचर में हम भर लेते हैं। इसमें हल्के से कच्चे पक्के सभी टमाटर हैं, और सब जो है अभी पक जाएगा एक दो दिन में। तो और हम इसमें से भी ले लेते हैं, ये देखिए इतना ढेर सारा। तो हम चलेंगे अब घर पे, तो आप लोग हमारे वीडियो को लास्ट तक करते रहिएगा। टमाटर लेकर आ गए हैं, तो पके पके टमाटर हम छांट लेते हैं पहले। तो टमाटर को हमने अच्छे से धो लिया है, अब इस थाली में रख लेते हैं। तो आलू को दो तीन पानी धोएंगे, मिट्टी लगी हुई है। तो आलू को अच्छे से हमने धो लिया है, पूरी आलू हम नहीं उबालेंगे, बस थोड़ा सा ही। देखिए तो चलिए पहले हम चूल्हे में आग को जला देते हैं। तो टमाटर चाट बनाएंगे, उसके लिए हम आलू को उबाल लेते हैं। अब दोपहर हो रहा है दोस्तों, तो नाश्ता बीच बीच में दोपहर में बनता रहता है। तो आलू हमने रख दिया उबलने के लिए। इधर हम टमाटर को छोटे छोटे टुकड़े में काट लेते हैं। तो डंठल साइड देखिए थोड़ा सा हम काट के निकाल देंगे। तो अब हम छोटे छोटे एकदम हम टमाटर को काटेंगे, ऐसे ही सारे जो है टमाटर को हम पहले काटते हैं। तो इतने छोटे छोटे हम काट ले रहे हैं, देखिए बहुत ही अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा कच्चा भी है और थोड़ा सा पका भी है। तो आलू हमारा उबलना स्टार्ट हो गया है, तो तेज़ आंच में इसे हम उबालेंगे, बहुत जल्दी जो है उबल जाएगा। तो टमाटर हमने काट लिया है अपने ज़रूरत के हिसाब से। तो अदरक को हम एकदम छोटे छोटे टुकड़े में जो है काट रहे हैं, और मिर्ची को भी काटेंगे। तो मिर्ची को हम चीर कर और छोटे छोटे टुकड़े में जो है काटेंगे। तो जीरा को हमने भून लिया हुआ है, अब इसे हम उतार लेते हैं कढ़ाई को। तो जीरे को हम गर्मा गर्म अच्छे से पीसेंगे। तो जीरे को हमने पीस लिया हुआ है, अब हम काले नमक को भी पीसेंगे। तो मैंने एक पाव मैदा लिया हुआ है पापड़ी बनाने के लिए, तो इसमें हम डाल देते हैं अजवाइन। तो थोड़ा सा पीस रगड़ कर हम डाल देते हैं। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक। तो अब डालेंगे हम रिफाइन थोड़ा सा।
तो अच्छे से हम मिला लेते हैं। तो अच्छे से हमने मिला लिया हुआ है, अब हम तैयार करेंगे मैदे को। तो आटे को हमने तैयार कर लिया है, बहुत ज़्यादा इसे नहीं गूदा हुआ है और बहुत ज़्यादा इसे नरम भी नहीं है, बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं है। थोड़ा थोड़ा हम चकई को हम काट लेते हैं। तो आलू हमारा पक गया, इसे उतार लेते हैं। तो चलिए इसे हम थोड़ा सा गोल गोल बनाकर इसे हम बेलते हैं। तो देखिए छोटे छोटे जो हम बेल ले रहे हैं, ये देखिए ज़्यादा पतला भी नहीं, ज़्यादा मोटा भी नहीं है, इसी प्रकार के। तो हम पैथन नहीं लगाकर बेल रहे हैं, ना ही तेल भी लगाए हैं, बस ऐसे ही बेल रहे हैं। तेल बेल कर एक दूसरे पैसे रख रहे हैं। तो इतना हमने बेल लिया हुआ है, चलिए हम कढ़ाई में तेल डाल देते हैं, हल्का सा गर्म होता रहेगा, रिफाइन का तेल। जो पापड़ी हमने बेल कर रखा हुआ है उसे होल बना लेते हैं, जैसे पापड़ी हमारा जो है फूले ना। अब इसे हम तेल में डाल देते हैं, तेल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है। तो देखिए एक एक करके जो है एक दूसरे में जो चिपका हुआ था छुड़ा रहे हैं हम। तो पापड़ी देखिए एक को हमारा जो है फूल नहीं रहा हुआ है और धीमी आंच में अच्छे से हम पका रहे हैं, बीच बीच में पलटते रहेंगे जैसे कि अच्छे से कलर आए। देखिए कलर आना स्टार्ट हो गया है, थोड़ा सा और हम टाइट करेंगे पापड़ी को। तो बहुत ही अच्छे से जो है कलर आ गया है, अब इसे हम निकाल लेते हैं। तो दूसरा घान हमने डाल दिया हुआ है। तो एक दूसरे में दोस्तों चिपका रहता है, पर तेल में जाते ही एक एक देखिए खुलना स्टार्ट हो जाता है, अब फूलता भी नहीं इस तरीके से करेंगे तो। तो कलर दोस्तों देखिए बहुत ही अच्छा आ हुआ है, और ये देखिए इसमें हमने होल नहीं बना हुआ है, हल्का से फूल गया है, तो होल बनाना बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए इसे हम निकाल देते हैं। तो ऐसे पौनी पर रखकर हम डाल देते हैं। तो सभी घान दोस्तों बहुत ही अच्छे से हो रहे हैं। तो इधर हम आलू के छिलके उतार लेते हैं। तो अब हम टमाटर चाट बनाना जा रहे हैं, तो इसमें हम डाल देते हैं सरसों का तेल। तो तेल हमारा गर्म हो गया, इसमें डाल देते हैं जीरा, अदरक और मिर्ची को भी डाल देते हैं। तो चलिए इसे हल्का सा हम पका लेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे, कलर नहीं आएगा। तो देखिए अदरक और मिर्ची हमारा हल्का सा पक गया है, अब इसमें हम डाल देते हैं टमाटर। टमाटर को अच्छे से हम तेल में मिला देते हैं और आंच को हम तेज रखेंगे जैसे बहुत जल्दी ये गले। टमाटर को हम ढक देते हैं। तो चलिए देखते हैं टमाटर हमारा गलना स्टार्ट हुआ है। तो देखिए पानी काफ़ी छोड़ दिया हुआ टमाटर, तो इसी समय हम हल्का सा नमक डाल देंगे, थोड़ा जल्दी ये गलेगा। तो नमक को हम डाल दिए हैं, अब अच्छे से ढक देंगे चलाकर। तो अब इसमें हम मसाले को डाल देते हैं। देखिए हमने गरम मसाला लिया हुआ है और लाल मिर्चा है, तीखा नहीं है। अब इसमें हम डालेंगे हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर। तो सभी मसाले को डाल कर दिया हुआ है, मिला देते हैं। अब थोड़ा सा और हम टमाटर को गलने देंगे। तो काजू पिसा हुआ हम डाल देते हैं इसमें, इसे भी अच्छे से मिला देते हैं। तो काफ़ी हमारा टमाटर जो है गल गया है और मसाला भी हल्का सा पक चुका है, अब इसमें आलू भी तोड़कर डाल देते हैं। तो आलू को डालने के बाद अच्छे से मिला देते हैं। तो अब इसमें हम डाल देते हैं थोड़ा सा पानी, पानी डालकर अच्छे से हम पकाएंगे। तो इसमें हम डाल देते हैं काला नमक, काला नमक दोस्तों बहुत ही अच्छा लगता है, और इसमें भुना हुआ जीरा, भूरा जीरा भी बहुत ही अच्छा लगता है, इसे भी डाल देते हैं। डालकर अच्छे से मिला देते हैं। बहुत जल्द दोस्तों हमारा ये टमाटर चाप बनने वाला है। तो अब हमारा देखिए इसमें डाल देते हैं धनिया की पत्ती। तो चलिए हमारा ये चाट बनकर तैयार हो गया है, टमाटर चाप, ये देखिए बहुत ही अच्छा, बहुत ही फ़ायदेमंद, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा नाश्ता दोस्तों सभी को लगता है। पापड़ी भी दोस्तों हमारा बहुत ही अच्छा बना हुआ है, और ये देखिए एकदम बहुत ही बढ़िया, एकदम कुरकुरी एकदम चूर हो जा रहा है, बहुत ही अच्छा। सारे जो है बिल्कुल बहुत ही अच्छे हैं, और ये भी टमाटर चाप भी हमारा बहुत ही अच्छा है। चलिए अब हम परोसते हैं। देखिए पापड़ी हमने रख लिया हुआ है और उसे हम डाल लेते हैं अब टमाटर चाप को।
बहुत ही अच्छा दोस्तों लगता है खाने में। इसमें टमाटर बहुत ही अच्छा लग रहा है, तैयार हो रहा है गाँव में। तो अब इसमें ऊपर से एक पापड़ी हम तोड़कर डाल दे रहे हैं। धनिया की पत्ती और प्याज को भी डाल दे रहे हैं। और देखिए इस तरीके से पापड़ी से लेकर खाया जाता है, बहुत ही अच्छा। टमाटर चाट और पापड़ी हमारा बनकर तैयार हो गया है दोस्तों नाश्ता। अगर आप लोग को अच्छा लगा तो हमारी वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। मिलेंगे अगले वीडियो में नई रेसिपी के संग, तब तक के लिए नमस्कार।